सोनाक्षी सिन्हा ने धोखाधड़ी के आरोपों को बताया गलत, ले सकती हैं लीगल एक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद उनकी प्रबंधन एजेंसी ने रविवार को कहा कि आयोजक मीडिया का उपयोग कर झूठे और तोड़मोड़ कर तथ्यों को पेश कर रहा है और अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो सोनाक्षी और उनकी टीम कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। पुलिस ने रविवार को कहा कि शिकायत में सोनाक्षी के अलावा चार अन्य लोगों का नाम भी लिया गया है, जिसमें मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर, एडगर सकारिया और अभिषेक सिन्हा शामिल हैं, जिनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस शिकायत में प्रमोद शर्मा ने कहा कि एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए सोनाक्षी के खाते में 32 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित की गई थी, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंची। पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए शर्मा ने हाल ही में जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे बच गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जांच के बाद एक मामला दर्ज किया है, लेकिन कार्यक्रम आयोजक जहर खाने की धमकी देकर उन पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारी ने INS को बताया कि इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम पिछले साल 30 सितंबर को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए टैलेंट फुल ऑन कंपनी से करार किया गया। सोनाक्षी के निजी सचिव से बात हुई और उनके खाते में 32 लाख रुपए जमा कराए गए, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से इनकार कर दिया और आयोजक को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इन गलत सूचनाओं के प्रसारित होने की जानकारी मिलने के बाद सोनाक्षी की प्रबंधन एजेंसी ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सोनाक्षी को एक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए दिल्ली के एक आयोजक, इवेंट ऑर्गेनाइजर से संपर्क किया गया था, लेकिन बार बार याद दिलाने के बावजूद आयोजक भुगतान करने में विफल रहा। घटना से पहले सोनाक्षी अनुबंधित थी। बयान के अनुसार आयोजक ने सोनाक्षी और उनकी टीम को न ही दिल्ली जाने और न ही वापसी के टिकट भेजे, जबकि उनकी कार्यक्रम के बाद अगली सुबह शूटिंग थी। इससे सभी मुश्किल में आ गए। बयान में आगे कहा गया, आयोजक द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण सोनाक्षी और उनकी टीम मुंबई हवाई अड्डे से वापस आ गई। बयान के अनुसार इस घटना के बाद से सोनाक्षी की प्रबंधन एजेंसी एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए आयोजक से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन आयोजक ने इसकी जगह मीडिया में ही झूठी खबरें प्रसारित कर दी। हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि वे बिना तथ्य जाने किसी को भी अपने मंच का उपयोग न करने दें।